दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार और अधिकारियों के बीच इन दिनों पानी बिल माफ योजना को लेकर तकरार चल रही है। सरकार का आरोप है कि अधिकारी दिल्ली जल बोर्ड की वन टाइम सेटलमेंट स्कीम को रोक रहे हैं। इसे लेकर विधानसभा में भी काफी हंगामा हुआ। अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राष्ट्रीय राजधानी में बढ़े हुए पानी के बिलों के समाधान के लिए वन टाइम सेटलमेंट योजना को लागू करने के लिए सभी दलों की बैठक बुलाई है। आज शाम 4 बजे सीएम आवास पर ये बैठक होगी। इसकी जानकारी दिल्ली सरकार के अधिकारी ने दी। आपको बता दें, दिल्ली विधानसभा ने सोमवार को एक प्रस्ताव पारित कर उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना से दिल्ली जल बोर्ड की वन टाइम सेटलमेंट योजना शुरू करने का आग्रह किया, जिसका फायदा दिल्ली में 10 लाख से ज्यादा कस्टमर्स को मिलेगा। आप विधायक राजेंद्र पाल गौतम द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव पर सदन में बोलते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अधिकारी बकाया पानी बिल के लिए वन टाइम सेटलमेंट योजना लाने के लिए आम आदमी पार्टी सरकार की योजना में बाधा डाल रहे हैं। उन्होंने घोषणा की कि यदि योजना शीघ्र लागू नहीं की गई तो आप शहर में इसे लेकर बड़ा आंदोलन करेगी। वहीं प्रस्ताव में राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि प्रमुख सचिव शहरी विकास और प्रमुख सचिव वित्त सचिव ने मंत्रियों के लिखित आदेश के बावजूद योजना को लागू करने से इनकार कर दिया है। प्रस्ताव में एलजी वीके सक्सेना से अधिकारियों को योजना को लागू करने का निर्देश देने का आग्रह किया गया। वहीं संशोधित जीएनसीटीडी एक्ट के तहत दिल्ली में नौकरशाह उपराज्यपाल को रिपोर्ट करेंगे। इस मामले पर सदन में अपने भाषण में केजरीवाल ने कहा कि अधिकारियों ने कहा है कि उन्हें धमकियां मिल रही हैं। बहरहाल अब देखना होगा कि आज शाम 4 बजे होने वाली इस सर्वदलीय बैठक में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। क्या ये तकरार ऐसे ही बरकरार रहती है या फिर इसमें कोई समाधान निकल पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।